लीजेंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 में चंद्रशेखर पुसालकर, सुमन तलवार साउथ, राहुल शेवाठे, अनु मलिक, अनूप जलोटा, मुकेश ऋषि जैसी हस्तियां मौजूद रहे। बॉलीवुड फिल्मों के डायरेक्टर और लीजेंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड के फाउंडर डॉक्टर कृष्णा चौहान ने 11 जुलाई 2021 को मेयर हॉल जुहू, मुंबई में लीजेंड दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2021 भव्य पैमाने पर आयोजित किया। इस अवार्ड फंक्शन में बहुत सारी सेलिब्रिटीज ने शिरकत की। दक्षिण मध्य मुंबई चेंबूर से शिवसेना सांसद राहुल शेवाले यहां मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। इस पुरस्कार समारोह में दादा साहेब फाल्के के ग्रैंडसन चंद्रशेखर पुसालकर भी चीफ गेस्ट के रूप में मौजूद थे। साथ ही मशहूर संगीतकार अनु मलिक, पद्मश्री अनूप जलोटा, गजेंद्र चौहान, मुकेश ऋषि, एक्टर सिद्धार्थ निगम, अरुण बख्शी, अनिल नागरथ, रागिनी द्विवेदी, गीतकार सुधाकर शर्मा, ब्राइट के डॉक्टर योगेश लखानी को भी इस पुरस्कार से नवाजा गया। इस अवार्ड फंक्शन के स्पेशल गेस्ट थे साउथ सिनेमा के मशहूर एक्टर सुमन तलवार, जो खास तौर पर बेंगलुरु से मुंबई आए थे। उन्होंने शिवाजी द बॉस और गब्बर इज बैक जैसी काफी फिल्मों में अपनी अदाकारी का जादू दिखाया है। सुमन तलवार को भी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हिंदी और साउथ फिल्म उद्योग में उनके काम के लिए लीजेंड दादा साहेब फाल्के 2021 पुरस्कार दिया गया है। मीडिया क्षेत्र में यह पुरस्कार हिमांशु झुनझुनवाला, द्वापर प्रमोटर कैलाश मासूम, सुहेल फिदाई, अमित मिश्रा, अवनींद्र आशुतोष, देवेंद्र खन्ना, पुष्कर ओझा, गाजी मोइन, शैलेश पटेल, दिलीप पटेल, दलविंद्र धीमन, रमाकांत मुंडे और राजेश कोरील को चंद्रशेखर पुसालकर लेजेंड दादा साहेब फाल्के के पोते द्वारा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल सेलिब्रिटी एंकर सिमरन आहूजा ने इस अवार्ड शो को होस्ट किया, जबकि इंटरनेशनल परफॉर्मर शीरीन फरीद, ज़ेबा काजी की स्टेज परफॉर्मेंस ने सबका दिल जीत लिया। मुंबई से कमर अंसारी की एक रिपोर्ट। Really, I feel so much emotional that I'm being here. Online का जमाना है, लेकिन one to one I'm facing. Thanks for my grandfather's legend's name award is there. I am so happy after long time something is happening and very much thankful, Mr. Oh my God, this is unbelievable. Sir, please, please, can we have you here? Thank you. She is a Bollywood tarot card reader, correct? And she has predicted. Welcome, sir. Welcome. As a grandson of Dasa Phalke, I welcome you. She has predicted from tarot card that Dasa Saheb Phalke is going to get post-up Bharat Ratna. Yes, very true. Bharat Ratna for Dada Saheb Phalke. Great, that day I will definitely give you party. Thank you. Thank you. मेरे फादर इन लॉ के नाम के लिए प्रोग्राम चल रहा है। मैं भी उम्मीद रखती हूँ कि दादा साहब फाल्के को भारत रत्न क्यों नहीं मिले। उनके नाम से जैसे अनु जी बोले वैसे बहुत लोगों को भारत रत्न मिला है, तो उनको क्यों नहीं? अभी तो सब नए नए लोग आ रहे हैं, उनको भी गवर्नमेंट दे रही है, लेकिन दादा साहब फाल्के को अभी तक मिला नहीं। दूसरी ये बात है कि दादा साहब फाल्के की जो धर्मपत्नी थी सरस्वती बाई फाल्के, तो गवर्नमेंट को हम लोग अपील कर रहे हैं कि उनके नाम से भी आप एक अवार्ड दे दो। मेरे को अगर कोई एक ऐसा ये था प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने सायरा बानू को दिया था वो अवार्ड सरस्वती बाई फाल्के के नाम से, क्योंकि उसका भी बहुत योगदान है। सरस्वती बाई फाल्के ने अपने गहने नहीं बेच दिए, लेकिन उसने अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिला के उसने काम किया है। वो डेवलपिंग सीखी थी वो, तभी तो 100 ईयर्स पहले फिल्म तो पूरा उधर से आती थी, उसको प्रोसेस करना पड़ता था, वो उसको भी हाइपो में डाल के फिर ग्लिसरीन में डाल के 2-3 बार प्रोसेसिंग होता था, फिर सुखाना पड़ता था और हैंड पंचिंग करना पड़ता था। वो सब काम उसने किया है, दादा साहब ने उसको